वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। प्यारे दोस्तों, जॉब इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर देना। रेलवे नर्स भर्ती 2021, स्टाफ नर्स पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 2262 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें आप लोग नंबर देख सकते हो CEN02/2021। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है। A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं। 4 मार्च से ऑनलाइन शुरू, नोटिफिकेशन आ चुका है। कैसे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो, क्या है क्वालिफिकेशन, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो चुकी है, 1.5 लाख लोगों ने जो है इस वीडियो को देखा है, जिसमें एक नोटिफिकेशन यहां पे जो है जारी की गई है। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप लोग जो है नेशनल हेल्थ मिशन, रेलवे, नॉर्थसेट, एम्स, ESIC, UP, RV, UNL या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मनीष पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं 72 वीडियो आ चुकी है, डेली आपको जो है यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही लाइव भी आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस ली जाएंगी। मनीष पाठशाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पूरी जानकारी आपको बिल्कुल देने वाला हूँ ऑफिशियली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेट निकल के आ रही है, नोटिफिकेशन डेट 4 मार्च 2021, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट पैरामेडिकल स्टाफ नर्स 4 मार्च 2021, और नीचे देखिए तो 2 अप्रैल 2021 तक जो है आप लोग फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप लोग नीचे देखिए तो 02/2021। जी हाँ, यहाँ पे इस तरह से जो है अपडेट निकल के आ रही है, और आप लोग जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है 10 MB का है और यहाँ पे डाउनलोड हो रही है CEN02/2021 पैरामेडिकल कैटेगरीज। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली देने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। जिसमें दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं RRB पैरा मेडिकल स्टाफ नर्स पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट 2021। दोस्तों सारी जानकारी देंगे, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग कमेंट करना कोई भी क्वेश्चन हो। तो नीचे यहां पे देखिए तो RRB पैरा मेडिकल पोस्ट डाइटिशियन के लिए यहां पे 4 वैकेंसी रखी गई है, स्टाफ नर्स के लिए 1109 वैकेंसी रखी गई है और ये सारी वैकेंसियाँ परमानेंट हैं। जी हाँ, डेंटल के लिए यहाँ पे देखिए डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 20 वैकेंसी रखी गई है, एक्सटेंशन एडुकेटर के लिए 11 वैकेंसी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड के लिए 289 वैकेंसी रखी गई है, लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड के लिए 25 वैकेंसी, और यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट की देखिए 6 वैकेंसी, और यहाँ पे अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 21 वैकेंसी, फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड के लिए 277 वैकेंसी, रेडियोग्राफर के लिए 61 वैकेंसी, और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी, ECG टेक्नीशियन के लिए 23 वैकेंसी, लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 2 वैकेंसी, लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखिए 82 वैकेंसी। नीचे आप लोग देखिए तो आपको यहाँ पे जो है RRB पैरा मेडिकल स्टाफ नर्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यहाँ पे जो है आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। UR में जो है 936 वैकेंसी रखी गई है, और SC के लिए 272 वैकेंसी रखी गई है, ST के लिए 151 वैकेंसी रखी गई है, OBC के लिए 419 वैकेंसी रखी गई है, और EWS के लिए 158 वैकेंसी रखी गई है, EX सर्विसमैन के लिए 168 वैकेंसी, और इस तरह से जो है अलग अलग कैटेगरी में टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टोटल विथ अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 2262 वैकेंसी रखी गई है। तो दोस्तों, स्टाफ नर्स एंड पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए जो कि अलग अलग पोस्टें हैं, इसमें 2262 सभी कैटेगरी को मिला के यहाँ पर वैकेंसी जो है रखी गई है RRB जॉब्स 2021। और नीचे आप लोग देखिए यहाँ पे दोस्तों एज की बात की जाए, तो 1 जनवरी 2021 को आपकी एज काउंट की जाएगी 18 से लेकर 33 ईयर्स। इसमें जो है OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए तो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वाइवा होगा, फिर मेडिकल आपका होगा, इसके बाद जो है आपका DV होगा। तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वाइवा होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। रिटर्न एग्जाम, रिटर्न पैटर्न डिटेल्स 2021, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। यहाँ पर जो है आप लोग देखिए तो आपका जो है यहाँ पर CBT होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। टेक्निकल से जो है 70 क्वेश्चन होंगे, 70 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस से जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे।
और जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। 90 मिनट का यहाँ पे आपको समय दिया गया है। नीचे आप लोग देखिए तो आपको जो है टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियली दे दी गई है। और यहाँ पे नीचे आप लोग देखिए आपको जो है सारी जानकारी मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन डेट 4 मार्च 2021। दोस्तों इस वेबसाइट का सहारा लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पर और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, तो आपको जो है सचेत करना है। यह दोस्तों ओल्ड नोटिफिकेशन है, ऐसे अफवाहों से आप लोग बच के रहिए। ओल्ड नोटिफिकेशन है और किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप लोग बिल्कुल फॉर्म मत अप्लाई करिए। लिंक दे दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में। जो फ्रॉड चैनल होते हैं, फ्रॉड चैनल क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे। फॉर्म को अप्लाई करते वक्त जो है आपसे गूगल पे का आईडी मांगा जाता है या आपसे जो है डायरेक्ट पेमेंट मांगा जाता है। और गूगल, अगर आपके पास जी पे है, एप्लीकेशन गूगल पे है, तो डायरेक्ट आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं, इससे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। बट यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे दिया गया है, 4 मार्च से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, 2 अप्रैल तक भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन की डेट है 5 अप्रैल 2021 रखी गई है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो होगा जून से लेकर सितंबर तक जो है आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। 500 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। अब बिल्कुल आप लोग जो है यहाँ पे डाउट हो जाएगी कि सर ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है या फेक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल से, जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे 5 दिन पहले। दोस्तों एक चैनल है, अब उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग खुद देखते हैं। न्यू ऐसे करके चैनल का नाम है, उसने वीडियो बना रखा है सीधी भर्ती नो इंटरव्यू ऐसे करके, और 1.5 लाख लोगों ने जो है इस वीडियो को देखा है। इसके बाद जो है हमारे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आने लगे कि सर जो है रेलवे में नोटिफिकेशन जारी की गई है, 2021 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है 2,262 पदों पर, सर क्या सच्चाई है, क्या यह सही नोटिफिकेशन है, कब तक आएगी। तो मैंने सोचा आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ और एक वीडियो जो है डिटेल्स के साथ आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जैसा लगेगा कि बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है जारी की गई है। और यहाँ पे जो है सारे जोन का ऑफिशियली वेबसाइट भी दिया गया है, तो देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। चलिए हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वेबसाइट दी गई है, और उस वेबसाइट पर जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे तो पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा CEN02/2021 पैरामेडिकल कैटेगरीज PDF। ऐसा आपको लगेगा कि बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, बट यहाँ पे देख सकते हैं CEN02/2019 का जो है यह नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 2019 का यह नोटिफिकेशन है, जिसमें आप लोग डेट देख सकते हैं, जिसमें 23 फरवरी 2019 रखी गई है। और 4 मार्च से जो है आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं और 2 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो इसी का जो है फ़ायदा उठाकर जो है उसने वेबसाइट पब्लिश की, और बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फरवरी आ चुका है लगभग, तो ऐसे में जो है यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन का लिंक देकर वेबसाइट पर पब्लिश की जा रही है। तो दोस्तों इसको आप लोग फोकस मत करो, यहाँ पर आप लोग डेट देख लो, ये 2019 का जो है ओल्ड नोटिफिकेशन है, 2019 का जो है ओल्ड नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, और बहुत सारे लाखों में व्यूज आ रहे हैं, लाखों लोगों को जो है यहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहिए। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जॉब इंडिया को अभी आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो। जैसे ही कोई भी रेलवे की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आती है, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।